संस्कार, आपका एग्जाम कैसा हुआ? एग्जाम अच्छा था सर, लेवल बहुत ज़्यादा टफ नहीं लगा था। ठीक है, अच्छा कौन सा सेक्शन सबसे ज़्यादा टफ लगा आपको? मुझे सर फिजिक्स लगा, क्योंकि वैसे मेरा फिजिक्स थोड़ा मुझे लगता है वीक है, तो उस वजह से। अच्छा, आपको आकाश के जो भी सक्सेस मैग्नेट है, जो भी टेस्ट सीरीज है, उसने आपको इस एग्ज़ाम को बनाने में कितना हेल्प किया? सर काफ़ी हेल्प किया, क्योंकि उस सीरीज के ही लेवल का लगा मुझे एग्ज़ाम जो अभी था, तो ओके कुछ ज़्यादा डिफर नहीं था लेवल में। ठीक है, बाकी आप जो एग्ज़ाम है उसको किस कैटेगरी में रखोगे, इजी में रखोगे या डिफ़िकल्ट में रखोगे? मॉडरेट में रखना चाहूँगा सर, कि कुछ क्वेश्चंस इजी थे कंपैरेटिवली और कुछ मतलब मुझे लग रहा था कि लेंथी है, लंबे। ओके, ये पेपर था, ये विद इन टाइम ड्यूरेशन हो गया या फिर कुछ ऐसा लग रहा था थोड़ा और टाइम होता तो पेपर को आप अच्छे से कर पाते? विद इन ड्यूरेशन हो गया था सर टाइम का। कोई मैसेज आप जेई कैंडिडेट्स को, आगे जो भी आने वाले हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैसेज तो सर यही देना चाहेंगे क्योंकि के पेपर्स की प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि टाइम प्रॉब्लम ही होता है मैक्सिमम लोगों को, और मेरे भी कई फ्रेंड्स हैं उनको टाइम की प्रॉब्लम हुई है इस पेपर में भी। ओके, ऑल द बेस्ट। कैसा कट ऑफ, कैसा आपको क्या लग रहा है कितना जाएगा एक्सपेक्टेड, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड कट ऑफ स्कोर? आइडिया नहीं है सर वैसे। कितने नंबर का पेपर था बेटा? 186 का। 186 का था, तो आपको क्या लग रहा है कितना स्कोर कर पाएंगे? ऑलमोस्ट 100-120 तो चला जाना। चल बहुत बढ़िया, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर।